हेलो फ्रेंड्स, अमित कुमार डायरीज में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हैं हम तिरुवनंतपुरम में और आज है मकर संक्रांति, तो आप सभी लोगों को हमारी तरफ से मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। मुझे पता है जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तब मकर संक्रांति गुजर चुकी होगी, लेकिन हमारी भावनाएँ स्वीकार करिए। और अभी हम जा रहे हैं बस कबीर के लिए, दूध लेने आए थे और बस कबीर का दूध फिनिश होने के बाद में हम जाएंगे सीधे यहाँ से पद्मनाभम मंदिर और वहाँ दर्शन करेंगे श्री पद्मनाभ जी के। और शायद मंदिर के अंदर तो कैमरा अलाउड नहीं रहेगा, लेकिन बाहर जितना भी हो सकेगा आप सबको दिखाएंगे। और कल का वीडियो अगर आपने देखा होगा तो कल हमारी केरला जर्नी स्टार्ट हुई थी, बॉम्बे से हम आए हैं तिरुवनंतपुरम, तो वो भी जा करके चेकआउट कर सकते हैं अगर आपने नहीं देखा है। तो चलिए यहाँ से, और अगले 3-4 दिन हम केरला में रहने वाले हैं, तो आपको कई एपिसोड आएंगे केरला के बारे में। और कन्याकुमारी भी जाएंगे हम, तमिलनाडु की कन्याकुमारी, तो बने रहिए हमारे साथ। आइए चलते हैं। पद्मनाभम टेम्पल त्रिवेंद्रम में ये एक बात अच्छी लगी कि यहाँ पर मीटर से ही ऑटो चलते हैं। जनरली बहुत सारे शहर में देखते हैं कि मीटर से नहीं चलते हैं, मीटर डाउन होता है 25 रुपीज़ से 1.5 किलोमीटर के। हमारी श्रीमती जी का कल हैप्पी बर्थडे है, तो मम्मी का फ़ोन आ गया सुबह सुबह बर्थडे विश करने के लिए, उनको लगा आज है। तो दोस्तों हम आ गए हैं पद्मनाभम मंदिर के सामने और आपको भी दर्शन कराते हैं। दूर से पहले करिए, फिर अंदर चलेंगे। मंदिर पहुंचने पर सबसे पहले दर्शन होते हैं इस पवित्र दरवाजे के। 7 मंजिला गोपुरम में 5 खिड़कियां हैं। इक्विनॉक्स यानी साल के वो 2 दिन जब दिन और रात की ड्यूरेशन बराबर होती है, उन 2 दिनों में सूरज जब अस्त होता है तो इन 5 खिड़कियों में से 5-5 मिनट के अंतराल पर होकर नीचे जाता है। दर्शन करने के लिए जब मंदिर के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर जेंट्स को कमर के ऊपर में कोई भी कपड़ा नहीं होना चाहिए और नीचे सिर्फ धोती होनी चाहिए, तो यहाँ पर हमें धोती खरीदनी पड़ेगी अपने लिए। और लेडीज़ के लिए साड़ी होनी चाहिए या फिर घाघरा स्कर्ट होनी चाहिए, और या फिर कुर्ता है तो लेगिंग्स नहीं होना चाहिए, वो सलवार वाला कुर्ता होना चाहिए। तो यहाँ पर साड़ियाँ भी मिलती हैं लेडीज़ के लिए, लुंगी जेंट्स के लिए, और धोती वगैरह सब मिलती है। तो श्वेता को जैसे ही मौका मिला कि वो एक साड़ी खरीद सकती है, केरला साड़ी, तो मुझे पीछे छोड़ करके बहुत तेज़ी से साड़ी की दुकान में भाग गई है। लेडीज़ों को ये सुविधा है कि वो कोई भी लुंगी टाइप का, धोती टाइप का ऐसे लपेट सकती हैं, वो यहाँ 50-60 रुपये मिलती है, लेकिन श्वेता ने साड़ी खरीदने का फैसला लिया है। लेडीज़ साड़ियाँ केरला में जो भी लेडीज़ आपको मिलेगी तो वाइट, ऑफ वाइट, क्रीम, इसी कलर की मिलेंगी। सारी साड़ियाँ उसी ही कलर में हैं। जब तक श्वेता साड़ी खरीद रही हैं तब तक मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे ये मंदिर बना दुनिया का सबसे धनी मंदिर और क्यों अभी तक नहीं खुल सका खजाने का आखिरी दरवाज़ा। दरअसल इन सबको लेकर कई तरह की बातें सामने आती हैं। तमाम रिसर्च के बाद जो बात मुझे समझ में आई वो कुछ इस तरह से है कि 300 साल पहले 1729 में इस एरिया में एक राजा हुए मार्तंड वर्मा। मार्तंड वर्मा ने अपनी युद्ध नीति से आसपास के कई राज्यों को मिलाकर त्रावणकोर साम्राज्य की स्थापना की। राजा को बिजनेस की भी बहुत अच्छी समझ थी। वे अरब सागर के किनारे फैले त्रावणकोर राज्य को बिजनेस हब बनाने में कामयाब हो गए। कई देशों के व्यापारी आयुर्वेदिक औषधि, मसाले और सूखे मेवे जैसी यहाँ मिलने वाली चीज़ें खरीदने के लिए आते और कीमती जवाहरात और स्वर्ण मुद्राएं यहाँ देकर जाते। कुछ ही सालों में राजा के पास बहुत ज़्यादा संपत्ति इकट्ठा हो गई। फिर अचानक राजा को अर्ध वैराग्य हो गया। 1750 में मार्तंड वर्मा राजा के पद से मुक्त हो गए और खुद को भगवान विष्णु का आजीवन सेवक घोषित कर दिया। सबसे पहले उन्होंने जितनी भी संपत्तियां थी उसे जमीन के नीचे गुप्त तहखाना बनवा कर सुरक्षित कर दिया। फिर इसके ऊपर मंदिर का निर्माण शुरू कराया। इस गर्भगृह के ठीक ऊपर भगवान विष्णु की पद्मनाभ मुद्रा की मूर्ति स्थापित की गई। अभी भी रॉयल फैमिली इस मंदिर में सेवक के रूप में निवास कर रही है, जो कि राजा मार्तंड वर्मा की 13वीं जनरेशन है। भारतीय गुप्तचर विभाग यानी IB के पूर्व अधिकारी TP सुंदर राजन ने कोर्ट में एक याचिका दायर की।
रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी सुंदर राजन ने कोर्ट से कहा कि मंदिर के नीचे तहखाने में बेशकीमती खजाना छिपा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 7 लोगों की समिति मंदिर के गर्भगृह के नीचे तहखाने में पहुंची। वहां 6 चैम्बर मिले। टीम ने चैम्बर्स का नामकरण किया A, B, C, D, E और F। E और F चैम्बर खोलने पर वहां मंदिर में इस्तेमाल होने वाले बर्तन मिले। C और D चैम्बर में मंदिर में इस्तेमाल होने वाली सोने की ज्वेलरी मिली और बाद में A चैम्बर खुला तो वहां बेशुमार खजाना बिखरा मिला। चैम्बर की हालत देखकर टीम को ऐसा नहीं लगा कि यहां कोई आता जाता नहीं है। सोने के धागे से बुने कपड़े, सोने की ज्वेलरी, बोरियों में भरे हीरे, जवाहरात से जड़े मुकुट, कीमती रत्न, कीमती धातुओं से बनी मूर्तियाँ, स्वर्ण मुद्राएं यहां वहां बिखरे पड़े थे। उस दौरान इस खजाने की भौतिक कीमत $22 बिलियन आकी गई। भौतिक कीमत शब्द का इस्तेमाल मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यहां मिला खजाना सैकड़ों साल पुराना है और मानव द्वारा बनी या प्रयोग की गई वस्तुएं वक्त बीतने के साथ एंटिक कैटेगरी में आ जाती हैं और उनकी कीमत कई गुना बढ़ जाती है। $22 बिलियन कितना होता है इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि दिसंबर 2019 को फोर्ब्स की लिस्ट के हिसाब से दुनिया के सबसे धनी शख्स जेफ बेजस की नेटवर्थ $110 बिलियन और इंडिया के सबसे रईस व्यक्ति मुकेश अंबानी की नेटवर्थ $60 बिलियन के करीब है। 5 चैम्बर खोलने के बाद बारी आई 6ठे यानी चैम्बर बी की। चैम्बर बी के लोहे के गेट को जब खोला गया तो तुरंत ही सामने एक लकड़ी का दरवाजा दिखा। इस लकड़ी के दरवाजे को खोलने के बाद फिर से एक लोहे का दरवाजा सामने दिखा। इस तीसरे दरवाजे में कोई ताला कुंडी का सिस्टम नहीं था, यानी कि यह दरवाजा फिट किया गया था। कई प्रयासों के बाद भी जब दरवाजा नहीं खुला तो टीम समझ गई कि लोहा काटने वालों की हेल्प के बिना ये दरवाजा नहीं खुलेगा। अगली बार कटर टीम को साथ में लाने का फैसला लेकर सब बाहर आ गए। मंदिर में अरबों का खजाना मिलने की बात जैसे ही बाहर फैली, देश भर के प्रेशर ग्रुप्स के बीच चैम्बर बी को खोलने या न खोलने को लेकर तीखी बहस शुरू हो गई। इस बीच मामले को सबसे पहले कोर्ट ले जाने वाले रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी टीपी सुंदर राजन की डेथ हो गई। खजाना खुलने के ठीक 20 दिन बाद यानी 17 जुलाई 2011 को बीमारी के चलते 70 साल के सुंदर राजन की डेथ हो गई। रॉयल फैमिली समेत खजाना खोलने के तमाम विरोधियों ने मिलकर सुंदर राजन की डेथ को अलग तरह से पेश किया और अंधविश्वास फैलाना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ कटर टीम दरवाजा काटने पहुंचती उससे पहले रॉयल फैमिली की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बी चैम्बर खोलने पर स्टे दे दिया। तब से यह मामला वहीं पर लटका है। उन 6 चैम्बर्स के अलावा 2 और चैम्बर मिलने की बात भी सामने आई है। चैम्बर ए को छोड़कर चैम्बर सी, डी, ई और एफ से मंदिर के स्पेशल ओकेजन के लिए गहने और बर्तन निकालकर इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इस बीच चैम्बर ए से करीब 190 करोड़ रुपए कीमत के हीरे गायब हो गए हैं। ये सब तब हुआ जब पूरा मामला और पूरा खजाना सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में है। खैर, बड़े लोगों की बड़ी बातें और इन सब बातों को छोड़ कर के चलते हैं श्री पद्मनाभ स्वामी के श्री चरणों के दर्शनों के लिए। और उससे पहले चलते हैं साड़ी की दुकान पर। ए बल्लू, ए ब्लाउज, जैकेट, अंदर फुल वर्क है। और फाइनली आधे घंटे में मंदिर में पहन जाने के लिए साड़ी फाइनल हो गई है और एक साड़ी और ले ली गई है नाते रिश्तेदारों को देने के लिए, तो 2 साड़ियों की चपत लग गई है। ये मेरे लिए है, भैया छोटे बच्चे के लिए, छोटे बच्चे के लिए 2 मीटर, ये मीटर 30 रुपया 2 मीटर ये छोटा टॉवल कबीर के लिए। अरे वाह कबीर, तो जय जय हम लोग अब जा रहे हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए, तो अभी जा रहे हैं कैमरा डिपॉजिट करने, मंदिर में दर्शन करके आते हैं तब बात करते हैं। तो अभी मंदिर में दर्शन हो गए हैं और हम लोग बाहर आ गए हैं। बहुत ही सुंदर मंदिर, बहुत ही प्यारे दर्शन, और अंदर गणेश जी का भी मंदिर है, लक्ष्मी माता का मंदिर है, दुर्गा माता का और शंकर जी का मंदिर है, और बहुत ही ज़्यादा आनंद आया। और 2-3 घंटे अंदर हम रहे और बहुत ही शांति का अनुभव हो रहा था। अगर कैमरा अंदर ले जाने देते तो सब वो दिखा पाता, लेकिन कैमरा अंदर नहीं ले जाने दे रहे थे।
दो तरह के दर्शन थे, एक फ्री वाले दर्शन थे, और क्योंकि फ्री वाले दर्शन में लाइन बहुत ज़्यादा थी, पहले तो हम फ्री वाले दर्शन में लगे, क्योंकि जनरली मैं तो अवॉइड करता हूँ पेट दर्शन करने के लिए, बट लाइन ज़्यादा थी और गर्मी थी और धूप में खड़ा कर दिया था, तो कभी रोने लगा, तो मजबूरी में हमको 200 वाला टिकट लेना पड़ा। एक टिकट में दो लोग अलाउड थे और बच्चा फ्री रहता है, तो हम मैं श्वेता कभी तीनों लोगों ने एक टिकट लिया 200 का और दर्शन किए। और इसके बाद में फिर और जो 200 देकर के दर्शन किए तुरंत 2 मिनट में दर्शन हो गए, और उसके बाद में वहाँ सबके लिए फ्री प्रसादम था, तो सुबह से हम लोगों ने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था, तो ब्रेकफास्ट कम लंच हमारा मंदिर के अंदर ही हुआ। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपनों के बीच में शेयर करिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल अमित कुमार डायरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। अगला वीडियो जो आएगा वो आएगा कोवलम से, केरला के, तो बने रहिए हमारे साथ में, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।